हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड गियर बॉक्स का गियर रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टीथ से कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और साथ ही कंपाउंड गियर का गियर रेशियो कैसे निकाल सकते हैं आप कंपाउंड गियर ट्रेन का, ये भी इस वीडियो से आप जान जाएंगे। मैं पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। मैंने बहुत मेहनत से एक डायग्राम भी बनाई है, काफ़ी अच्छी डायग्राम बनाई है। ये इसका फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू दोनों हैं, और मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो से आप बड़े से बड़े गियर बॉक्स का, कंपाउंड गियर बॉक्स का आप गियर रेशियो निकाल पाएंगे। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमको डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। तो ये सामने में मैंने डायग्राम बनाया है आपके लिए। लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्रंट व्यू है और राइट हैंड साइड वाला टॉप व्यू है। ये कंपाउंड गियर अरेंजमेंट है ना, जैसे कि कंपाउंड गियर बॉक्स में होता है। तो आप देखिए, जो फ्रंट व्यू है उसको देखिए पहले। यहाँ पर जो सबसे पहला वाला जो गियर है T1, जिसमें 8 टिथ है, पहले गियर के टिथ को हम T1 से डिनोट करेंगे और उसके RPM को N1 से डिनोट करेंगे। तो इसमें जो टिथ है T1 वो 8 है, और पहला वाला जो गियर है वो गियर बॉक्स का इनपुट है ना। तो इनपुट जो होता है उसका RPM सबसे ज्यादा होता है, और आउटपुट जो होता है उसका RPM सबसे कम होता है। गियर बॉक्स का काम ही होता है स्पीड को रिड्यूस करना। T1 इज इक्वल टू 8 टिथ है। अब बीच में जो आपका गियर्स लगे हैं T2 और T3, ये आइडलर गियर है, ये बीच में लगे हुए हैं, ये सिर्फ स्पीड रिडक्शन कर रहे हैं, है ना। तो T2 और T3 जो है एक ही शाफ्ट में है। आप टॉप व्यू में देखिए, आपको समझ आ जाएगा। राइट हैंड साइड वाले टॉप व्यू को देखिए, T2 और T3 जो है वो एक शाफ्ट में दो गियर फिक्स हैं, है ना। तो T2 जो है वो 40 है और T3 है 12 है, यानी कि T2 में 40 टिथ है और T3 वाले गियर में 12 टिथ हैं। अब देखते हैं T3 के साथ मैश में कौन सा है, T4 है। T3 के साथ T4 मैस में है, जो कि आउटपुट गियर है और इसका शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट है। तो T4 में कितना टिथ है, 96 टिथ है। तो यहां पर कुल मिला के एक ऐसा कंपाउंड अरेंजमेंट है हमारे पास गियर ट्रेन्स का, जिसमें एक तो इनपुट है, एक आउटपुट है, और बीच में आइडलर्स हैं, आइडलर गियर्स हैं। तो इसका कैलकुलेशन हम आपको आगे अभी बताएंगे पूरा। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जैसे पहले गियर का जो टिथ होगा वो T1 है, तो उसका RPM N1 होगा, T2 का N2 होगा, T3 का N3 होगा, T4 का N4 होगा। अब चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन होता है, दो गियर जब भी मैश में होते हैं तो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2, ये रिलेशन होता है सबसे फर्स्ट लाइन कैलकुलेशन का। आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा N1 by N2 इज इक्वल टू T2 by T1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया है, ये इसको इक्वेशन 1 दे दिए हैं। अब देखिए, N2 इज इक्वल टू N3। N2 इज इक्वल टू N3 क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना RPM N2 का होगा उतना RPM N3 का होगा, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट में लगे हुए हैं, दोनों गियर एक शाफ्ट में लगे हुए हैं, इसलिए उनका RPM सेम होगा। तो N2 इज इक्वल टू N3 को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो आपका N3 है, N3 और N4, या फिर हम T3 और T4 का रिलेशन देख सकते हैं, ये दोनों मैस में है। तो N3 T3 इज इक्वल टू N4 T4, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो N3 बाय N4 इज इक्वल टू T4 बाय T3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब हमको चाहिए क्या, गियर रेशियो निकालना है तो हमको फाइनल और इनिशियल का रेशियो निकालना है। तो N1 बाय N4, N1 जो है सबसे छोटे गियर का RPM है और N4 है सबसे बड़े आउटपुट गियर का RPM है। तो N1 बाय N4 अगर हम करेंगे तो यहां पर हमारे पास रिलेशन आएगा इक्वल टू N1 बाय N2 मल्टीप्लाई बाय N2 बाय N3 मल्टीप्लाई बाय N3 बाय N4। क्योंकि N2 और N3 सेम है तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास रिलेशन आ जाए। अब जो हमारे पास बचा हुआ है N1 बाय N2 मल्टीप्लाई बाय
वन मल्टीप्लाई बाय एन टू बाय एन थ्री बाय एन फोर, तो उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थ्री से उसका वैल्यू पुट कर देंगे। एन वन बाय एन टू का क्या वैल्यू है, टी टू बाय टी वन, और वैसे ही एन थ्री बाय एन फोर का क्या वैल्यू है, टी फोर बाय टी थ्री। तो इसको पुट करने के बाद में हम फाइनली वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारे पास टी टू है, टी टू कितना है, नंबर ऑफ टीथ इन सेकेंड ईयर 40, और टी थ्री कितना है, सॉरी टी वन कितना है 8, मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय टी फोर और टी थ्री की वैल्यू पुट कर देंगे। टी फोर 96 है, टी थ्री आपका है 12। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। तो 40:1, एन वन बाय एन फोर इज इक्वल टू 40:1। इसका मतलब ये है कि इस गियर बॉक्स का गियर रेशियो जो है वो 40:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट शाफ्ट 40 बार घूमेगा तो इसका आउटपुट शाफ्ट जो है वो एक बार घूमेगा, और इस गियर बॉक्स का, इस कंपाउंड गियर ट्रेन का गियर रेशियो जो है वो 40:1 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।